Good morning, children. Welcome back to online classes of Heritage Public School. How are you all? I hope you all are doing well and enjoying your studies as well. Okay, children, so let's continue with our studies. Please take out your book. And yes, one more thing. Do submit your homework to the WhatsApp. Okay, children. So let's continue with our studies now. Okay, class 7. So in last class we completed our political procedure. Okay, हमने election procedure complete किया था and political parties का topic till essential of parties complete ही किया. ठीक है. So today we are going to start a new topic, that is national and state level political parties in India. So now open page number 218. Hope you carefully read out the election procedure. Okay, now let's get started. National and state level political parties in India. There are two types of political parties in India. Two types of political parties hoti hai. First is national political party, second one is state political party. Theek hai, ye humne suna hai, national pe prime minister and state pe CM. Theek hai. So these parties can be differentiate as per given below. ये party इनमें कुछ differentiation है वो हम इस table के through read करते हैं. National political parties क्या होती हैं? They have their influence all over the country. ये अपना जो control है all over the country रखती हैं. State political party ये particular area या state के ऊपर इनका control होता है. They have their units all over the country. इनके units जो हैं all over the country होते हैं और इनके units सिर्फ state में होती है state political party की. They usually give priority to national issue. National political party होती है इसलिए कि वो national issue को priority दे सके और इसलिए ही state government बनाई जाती है कि एक singular party, एक national party जो है वो पूरी country, India is a very big and vast country, तो पूरी कंट्री की जो इश्यूज़ हैं वो अकेली एक पार्टी नहीं देख सकती. इसलिए सेकंड टाइप ऑफ पार्टी, दैट इज़ स्टेट पार्टीज़ को बनाया गया है ताकि वो स्टेट के इश्यूज़ पे, रीजनल इश्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दे सके. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम. अब यहाँ पर कुछ टाइप के पार्टी सिस्टम्स हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रेंज ऑफ फंक्शन दे कैरी. पॉलिटिकल पार्टीज़ एक इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि वो किस तरीके के फंक्शन वो कैरी आउट करते हैं. इसलिए हम सबको पता है पॉलिटिकल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्रीज़ को रन करने के लिए. द कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द एंड अमंग पार्टीज इज क्रूशियल इन स्ट्रक्चरिंग द वे पॉलिटिकल सिस्टम वर्क. दिस नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड पार्टी सिस्टम. ठीक है. इनका जो कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप होता है एक पार्टी का दूसरे पार्टी से जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो बहुत ही क्रूशियल होता है और इज़ क्रूशल इन स्ट्रक्चरिंग द वे पॉलिटिकल सिस्टम वर्क. ठीक है. इस नेटवर्क के, इस रिलेशनशिप के नेटवर्क को हम कहते हैं पार्टी सिस्टम. द मोस्ट फेमिलियर वे ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम. अब अलग अलग टाइप के पार्टी सिस्टम होते हैं. किसी पार्टी का कुछ सिस्टम होता है, किसी पार्टी का कुछ सिस्टम होता है. कोई पार्टी कैसे वर्क करती है, कोई कैसे वर्क करती है. ठीक है. तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्टी सिस्टम दिए गए हैं. इज़ बाय रेफरिंग टू द नंबर ऑफ पार्टीज कम्पीटिंग फॉर द पावर. ऑन द बेसिस, ऑन दिस बेसिस डूवेगर सोशियोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिशियन डिस्टिंग्विश बिटवीन वन पार्टी टू पार्टी इन मल्टी पार्टी सिस्टम. ठीक है. अभी इन सिस्टम्स को पढ़ेंगे. मेजर पार्टी सिस्टम फाउंड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर एज फॉलो. फर्स्ट है वन पार्टी सिस्टम. वन पार्टी और मोनो पार्टी और यूनी पार्टी सिस्टम इज द वन इन विच देर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी विच फंक्शन एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट. कुल मिला के मोनोपोली की तरह हो गया. ठीक है. जहाँ पर एक ही पार्टी हो और वही पार्टी, वही पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, फंक्शन करती है और कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को. जैसे कि चाइना में मोनोपोली है, क्यूबा में है. ठीक है. इस टाइप की पार्टी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड नेक्स्ट पेज, दैट इज़ 219. सेकेंड टॉपिक इज़ टू पार्टी. In a country where there are only two political parties, the political system is known as the two-party or bi-party system. ऐसी country जहाँ पर सिर्फ दो ही political parties हैं उसको हम कहते हैं two-party system. ठीक है. Which contest for power, वो दोनों party एक दूसरे से contest करती है power के लिए. In a bi-party system, one party is in power and other forms the opposition. और इस बाय पार्टी सिस्टम में या टू पार्टी सिस्टम में एक तो होती है पावर में, दूसरी होती है अपोजिशन में. ईच हैज़ अ सब्सटेंशियल रोल टू प्ले एंड
हैज़ ऑल्टरनेट चांस ऑफ कैप्चरिंग पावर. उन दोनों के पास क्या होता है, सब्सटेंशियल रोल होता है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है खुद खुद का प्ले करने के लिए. और उनके पास ऑल्टरनेट, जैसे इस बार एक पहली वाली आ गई तो नेक्स्ट टाइम दूसरी वाली, फिर थर्ड टाइम जो है फर्स्ट वन आ जाएगी. तो ये इनके पास ऑल्टरनेट चांसेस होते हैं. इंग्लैंड एंड द यूएसए हैव अ बाय पार्टी सिस्टम. इंग्लैंड और यूएसए में बाय पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम. कंट्रीज विच हैव मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी कंट्रीज जहाँ पर टू पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा होती हैं और हर किसी का एक सब्सटेंशियल रोल होता है टू प्ले एंड चांसेस ऑफ सिक्योरिंग पावर. और उनके पास चांसेस होते हैं कि वो पावर सिक्योर करे आइदर सिंगली हैंडली और इन कोलिजन. अब कई कई पार्टी क्या होती है, कोलाइड हो जाती है, यानी कि वो कॉलिशन कर लेती है. यानी कि जैसे एक पार्टी को मान लीजिए 10 या 20 सीट्स कम मिली, ठीक है, तो वो छोटी पार्टी को अपनी पार्टी में इन्वॉल्व कर लेती ताकि उनकी सीट्स भी उन्हीं पार्टी में ऐड हो जाए. ठीक है, वो किसी भी तरीके इस तरीके से चाहे सिंगली वो किस में आए, पावर में आए, ठीक है, विद अदर हैव मल्टी पार्टी सिस्टम. तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम. इंडिया में ये सिस्टम बहुत ज़्यादा है, फ्रांस में है, इसराइल में है, ये सब मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पर प्रैक्टिस करे जाते हैं. नाउ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. अब पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ फाइव फंक्शंस अपन को गिवन है. फर्स्ट वन इज कॉन्टेस्ट इलेक्शन. पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन बाय पुटिंग अप देयर कैंडिडेट इन द पॉलिटिकल एरेना. पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शंस को लड़ती है, और किससे कैसे लड़ती है, अपने कैंडिडेट को वहाँ पर खड़ा करके. फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. द पार्टी विच विंस द मेजॉरिटी गेट्स द चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट. जो पार्टी जीत जाती है मेजॉरिटी के साथ, तो वहाँ पर उनको चांस होता है कि वो गवर्नमेंट को वहाँ पर फॉर्म कर सके. इट फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड रन इट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजी ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी. इट फॉर्म्स द गवर्नमेंट. जो पार्टी जीत जाती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और पॉलिसीज़ को खुद के अकॉर्डिंगली रन करती है, और खुद के और एंड आइडियोलॉजी ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, खुद की पॉलिसीज़ और आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो अब उस वहाँ की गवर्नमेंट को रन करती है. आफ्टर फॉर्मिंग पार्टी दे इंट्रोड्यूस मैन इकोनॉमिक एंड सोशल स्कीम टू बूस्ट देयर पॉपुलैरिटी. गवर्नमेंट बनाने के बाद वो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है ताकि उनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़े और नेक्स्ट टाइम भी वही पावर में आए. दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल्स नीड एंड डिमांड. वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो पीपल मांग रहे हैं, उनसे जो पीपल की डिमांड है, जिसके लिए उनको नेता बनाया, पावर में लाए हैं, वो उनको फुलफिल करें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इफ़ दे डू नॉट इंट्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट द सोशल एंड इकोनॉमिक स्कीम दे माइट लूज पॉपुलैरिटी. अगर वो कुछ ऐसा नहीं करते हैं, कुछ सोशल और इकोनॉमिक स्कीम्स वो अच्छी अच्छी लॉन्च नहीं करते हैं, लाइक 5 ईयर जो हमारे प्लान्स होते हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो ऐसा ना करने से उनकी पॉपुलैरिटी लूज़ हो जाती है एंड आर फोर्स टू स्टेप डाउन फ्रॉम पावर इन द नेक्स्ट इलेक्शन. और इसलिए वो नेक्स्ट इलेक्शन में पावर में नहीं आते हैं. नाउ थर्ड वन इज़ प्रोवाइड लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. ये जो रूलिंग पार्टी होती है दे कन्वेज द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल. ये रूलिंग पार्टी जो होती है वो पॉलिसीज और प्रोग्राम को कन्वे करती है टू द लोकल पीपल एंड इन टर्न कन्वे द प्रॉब्लम ऑफ पीपल टू द गवर्नमेंट. और एक टू वे होता है, कोई भी कम्युनिकेशन टू वे होता है. जो गवर्नमेंट ने अपनी, मतलब जो ये पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी पॉलिसीज़ बता रही है, और उसके बदले में लोगों ने क्या बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम जो कि वो गवर्नमेंट को जाके कहती है. ऑन द अदर हैंड द अपोजिशन पार्टी मेक्स द पीपल अवेयर ऑफ द वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट. अब अपोजिशन पार्टी का भी बहुत बड़ा हार्ट होता है. अपोजिशन पार्टी नहीं हो तो उनके ऊपर काम करने का डर ही नहीं होगा. अपोजिशन पार्टी जो क्या करती है, उनकी वीकनेस को पकड़ पकड़ के मीडिया के, मतलब लोगों के सामने लाती है थ्रू द मीडिया. दस थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज अ कंटिन्यूस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज एस्टेब्लिश बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी है ये कंटिन्यूस कम्युनिकेशन रखती है पीपल और गवर्नमेंट के बीच में. प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग पीपल. पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू इम्पार्ट पॉलिटिकल एजुकेशन अमंग द पीपल. ये पॉलिटिकल एजुकेशन पीपल को देने में फोर्स रहे, मतलब इसी काम में ये रहती है कि ये पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों को दे सके. पीपल कम टू नो अबाउट द मेजर बर्निंग इशूज थ्रू दैम अबाउट विच आर विच द कॉमन मैन इज़ टोटली इग्नोरेंट.
ये जो लोग हैं पीपल हैं वो इसी वजह से जो आजकल ट्रेंडिंग इश्यूज है उसके बारे में जान पाते हैं, जिसके लिए जो कॉमन मैन है वो नॉर्मली इग्नोरेंट मतलब इग्नोर करता है इस इशू को, लेकिन थ्रू पॉलिटिकल पार्टी थ्रू एजुकेशन वो इन सब में इंटरेस्ट लेते हैं. फॉर्म पब्लिक ओपिनियन. कॉमन पीपल जनरली डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. जो कॉमन पीपल हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में. इट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी विच पुट फॉरवर्ड दीज प्रॉब्लम्स टू द पीपल एंड क्रिएट पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग देम. ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं विच पुट फॉरवर्ड दीज प्रॉब्लम्स, जो कि ये प्रॉब्लम्स को लोगों के आगे रखती है ताकि वो इन इश्यूज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और अपनी जो इसमें थोड़ा सा एक्टिव रहें. द पॉलिटिकल पार्टीज टेक द हेल्प फ्रॉम मल्टीमीडिया. ऑफकोर्स मीडिया इनका बहुत बड़ा सोर्स है. जो भी हमें बात पता चलती है वो थ्रू द मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया या फिर हमारा टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इन सबसे रेडियो हो गया, इन सबसे हमें पता लगता है. टू स्प्रेड देयर मैसेज एंड मेक पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर. ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज़ यू हैव टू रीड द चैप्टर. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.